चलिए, हेलो एंड वेलकम टू द कॉमर्स एट होम। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर्स रिगार्डिंग ट्रेड रेफरेंसेस। लेटर्स रिगार्डिंग ट्रेड रेफरेंसेस, इसमें हम देखने वाले हैं कि ट्रेड रेफरेंस लेटर कैसे लिखे जाते हैं और क्या होते हैं। पहली बात ये बताइए, जब मार्केट में आपकी दुकान है, ठीक है, आप बहुत बड़े होलसेलर हैं, आपके यहाँ डेली कुछ कस्टमर आते होंगे, कुछ नए कुछ पुराने, है ना। मान लो कोई नया कस्टमर आया और बिना उधारी के तो काम नहीं चलता, ये बात आप जानते हैं। जब तक वो कैश में ले जा रहा है तो कोई भी आके खरीद के ले जाए हमको क्या मतलब है, हमको कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर कोई उधार मांगता है तब की बात होती है। अगर कोई उधार मांगता है तो ये जानना पड़ता है कि बाद में हम इससे पैसा वसूल पाएंगे कि नहीं वसूल पाएंगे, ये बात पता होनी चाहिए ना, तभी तो खरीदेंगे या बेचेंगे। अब जब एक व्यापारी माल बेचता है और उससे कभी भी कोई भी व्यापारी उधार सामान लेकर जाता है या जाना चाहता है तो पहले बोलता है ये जानने के लिए कि तुम कितने दिन में पैसा दोगे। तो कोई भी आदमी अगर उधार ले जाएगा तो वो तो बोलेगा ही ना, भैया ले लीजिएगा दो हफ्ते में, एक महीने में ले लीजिएगा, अगली बार आएंगे ले लीजिएगा, यही सब बोल के जाएगा। देने से पहले उसके बारे में जान लेना ज्यादा जरूरी होता है। क्रेडिट वर्थीनेस, उसकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, उसकी रेपुटेशन कैसी है, वो ज्यादा उधार तो नहीं करता, टाइम पे पैसा देता है कि नहीं देता है, ये सब चीजों के बारे में जानना जरूरी है। तो उस चीज के बारे में वो तो बताएगा नहीं सही सही, उसके आसपास के लोग, उसके घर के लोग, उसके दोस्त लोग, उसके बगल में व्यापार करने वाला कोई व्यापारी, उसका बैंक, ये सब बता सकते हैं कि ये आदमी कैसा है। तब हम लिखते हैं रेफरेंस लेटर। क्या लिखते हैं कि भैया किसी का रेफरेंस दीजिए, हम उससे पूछेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल देके चलाएं काम। मान लो एक आदमी है एक्स, उसने माल खरीदने की कोशिश की जेड से, किससे, इन दोनों के बिचौलिया कौन, वाई। जेड ने कहा देखो मैं तुमको नहीं जानता, ऐसे आदमी को लेके आ जो तुम्हारी गारंटी दे सकता हो, जो तुम्हारी मैं तुमको उधार दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, एक्स से पूछ लीजिए, दो महीने में पैसा दे देंगे, नहीं यकीन हो तो किससे पूछ लीजिए, एक्स से पूछ लीजिए, किससे पूछ लीजिए। जब ये लेटर भेजता है इस बात को जानने के लिए कि कोई रेफरेंस दीजिए, तो उसको बोलते हैं कि रेफरेंस लेटर, लेटर सीकिंग रेफरेंस। अच्छा, रिप्लाई ऑफ रेफरेंस, तब ये जवाब देता है कि देखिए हम वाई का नाम दे रहे हैं, हम किसका नाम दे रहे हैं, वाई से आप पूछ लीजिए। अब वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, मेरे बगल वाला काम करने वाला व्यक्ति हो सकता है, मेरे घर में रहने वाला कोई व्यक्ति हो सकता है, मेरा बैंक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वाई से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए, तो जेड क्या करेगा, वाई से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, वाई से रेफरेंस लेने की कोशिश करेगा। अब वाई से जब पूछा जाएगा तो वो दो तीन तरह की बातें कर सकता है कि हाँ बिल्कुल एक्स टाइम से पैसा दे देता है, अगर ऐसा कुछ जवाब आया तो फेवरेबल है, तो क्या है, अच्छा ऐसा जवाब है, अरे बड़ा चिरकुट आदमी है उसको दीजिएगा ना, गलती से सबको छूना लगा इसे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये वाला है, तो बताइए वो क्या फेवरेबल हुआ, नहीं वो अनफेवरेबल, क्या हो गया, इनडिफरेंट टाइप, मतलब ऐसा भी आ सकता है कि हमको नहीं पता, या ठीक ठाक ही है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, काम चलता, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी जवाब आ सकता है कि भैया बहुत अच्छा व्यापारी था, अब उतना अच्छा नहीं रह गया, तो कई तरह के रिप्लाई आ सकते हैं। हो सकता है उसके फेवर में आ रहा हो सकता है उसके फेवर में ना आ रहा हो सकता है थोड़ा, ठीक है, तो ये तीनों तरह के रिप्लाई आ सकते हैं। बात समझिए,
When a person sent a letter to know, जब एक व्यक्ति या एक व्यापारी ये बात जानने के लिए, क्या बात? क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ पार्टी, क्रेडिट वर्थीनेस ऑफ पार्टी कि भैया वो अपनी जबान पर कितना टिकने वाला है, अपने उधारों को कितने जल्दी वो सेटल कर देता है, उसके बारे में अगर कुछ जानना है और हम वही जानने के लिए कोई लेटर लिख के भेज रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस लेटर, ट्रेड रेफरेंस लेटर। कोई दिक्कत? अच्छा, जब हम ट्रेड रेफरेंस लेटर लिखकर भेजते हैं तो उसमें कौन कौन सी बातें होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? जैसे कि लैंग्वेज बड़ी पोलाइट होनी चाहिए। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? पोलाइट। दूसरा, एश्योरेंस और गारंटर होना चाहिए, कोई गारंटी देने वाले को, कोई गारंटी देने वाले के बारे में पूछा जाना चाहिए। या मान लो वो रिप्लाई वाला आ रहा है, रिप्लाई ऑफ रेफरेंस, हमने किसी को भेजा था, उसका रिप्लाई आया तो उसने बताया क्या कि वाई से आप पूछ लीजिए, ठीक है? तो क्लियर इंफॉर्मेशन, क्लियर इंफॉर्मेशन आनी चाहिए कि भैया कौन रेफरेंस है ये, या वाई बता रहा है कि हाँ एक्स अच्छा है, तो उसकी इंफॉर्मेशन एकदम क्लियर सही सही होनी चाहिए। और कॉन्फिडेंशियल, ये सबको बताने वाली बात नहीं होती, उसको गोपनीय रखा जाता है, उसको गोपनीय रखा जाता है। अगर हम एक्स जानना चाहता है किससे जानना चाहता है, सॉरी जेड जानना चाहता है किससे जानना चाहता है, एक्स की सारी डिटेल वाई से, एक्स की सारी डिटेल वाई से, तो वाई से बोल देगा कि इस लेटर को कॉन्फिडेंशियल रखिएगा, इसको गोपनीय रखिएगा, किसी को बताइएगा नहीं, ठीक है? तो ये था ट्रेड रेफरेंस लेटर, लेटर ऑफ ट्रेड रेफरेंस। बाकी के आगे के लेटर्स आगे की वीडियो में। चलिए, गुड लक। चलिए, एक बात आपको बतानी थी, वो बात जान लीजिए कौन सी है। जैसे देखिए, अगर आप लेटर के फॉर्मेट के बारे में परेशान हैं, लेटर के फॉर्मेट के बारे में, तो आप ये एक वीडियो मिलेगी आपको, वीडियो में सिर्फ लेटर्स के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे, लेटर के फॉर्मेट ही पढ़ाए गए होंगे। ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, ये फॉर्मेट वाली वीडियो पहले पढ़ लीजिएगा, तब इन सारे लेटर्स की वीडियो पढ़िएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, इसलिए ज़रूरी है कि बिना इसको जाने आप लेटर जान भी जाएंगे तो आप लिखेंगे कैसे? कोई भी लेटर पूछ सकता है आपसे, और एक लेटर फॉर्मेट ऐसा बताया जाएगा जिसमें सारे लेटर आ जाते हों, उसी फॉर्मेट में सारे लेटर लिखना पड़े आपको, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह चेंज हो जाएंगे, सिर्फ सब्जेक्ट वगैरह बदल जाएंगे, ठीक है? तो लेटर बदलेगा नहीं, लेटर का नाम बदल जाएगा, उसका सब्जेक्ट बदल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट बदलेगा नहीं, ठीक है? तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा, फॉर्मेट के लिए परेशान मत रहिएगा। लोग कहते हैं सर कन्फ्यूज हो गए, कल एक बच्ची फोन करी कि सर हम लेटर में कन्फ्यूज हो जा रहे हैं, कैसे फॉर्मेट इसका, कैसे फॉर्मेट, फॉर्मेट तो वही है, फॉर्मेट बदल नहीं रहा, सिर्फ उसका सब्जेक्ट बदल जा रहा, ठीक है? तो फॉर्मेट नहीं बदल रहा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आप आगे की वीडियो देखिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो इसको शेयर जरूर करिए दूसरों तक, ताकि वो भी पढ़ाई कर सके आपकी तरह। गुड लक।